हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से। तो मैं बहुत लोगों की डिमांड थी कि पॉटगेज कॉलेज के बारे में बताया जाए, लैकला बीच कैंपस कैसा है, लोग कैसे वहाँ पे, जगह कैसी है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल टेल यू, लैकला बीच ना ही कोई टाउन है ना ही कोई शहर है, इट्स अ हैमलेट। और हैमलेट कहा जाता है स्मॉलर देन विलेज। और यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। एंड इज़ इट रियली वर्थ इट टू मूविंग हेयर और नॉट, पार्ट टाइम जॉब का क्या सिनेरियो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसे है, ये कॉलेज DLI अप्रूव्ड है या नहीं है, और यहाँ का PR का प्रोसेस कैसा होगा। तो आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, आप मुझसे बात करना चाहते हैं फेस टू फेस, वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू भी, देर वुड बी अ नॉमिनल फीस यू हैव टू पे। आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करना। एंड साथ ही इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट इट बाई सब्सक्राइबिंग इट। फिर से बात करता हूँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं थ्रू वीडियो कॉल और थ्रू कॉल ऑल्सो, आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी जगह के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो वर्क परमिट, LMI रिलेटेड जॉब हो या एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, आप कुछ भी आके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, दे वुड बी अ नॉमिनल फीस जो आपको भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं और वहाँ पर आकर मैं स्लॉट बुक कर दूंगा, सो वी कैन टॉक। सो बात करते हैं आज के टॉपिक पे, तो सीधा बात करते हैं लैकला बीच के बारे में। यार इसे बहुत स्मॉल टाउन कहूँगा या स्मॉल सिटी भी नहीं कह सकता, ये एक्चुअली विलेज से भी बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। जगह काफ़ी बड़ी है, बहुत छोटी नहीं है, जगह बहुत बड़ी है लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है। लेकिन जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम आबादी है यहाँ पे। और जो भी मेनली यहाँ पे लोग हैं, या तो वो इंडिजीनियस पीपल है या तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, बहुत ही थोड़े बहुत हो गए जो कैनेडियन वाइट पीपल हो गए, अगर आपको मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ तो। तो ये एडमंटन से बढ़ता है 230 किलोमीटर्स दूर, आपको हाईवे नंबर 28 पकड़ना होता है अगर आप एडमंटन से थ्रू ड्राइविंग ही थ्रू आ रहे हैं, आपको 145-160 किलोमीटर आपको ड्राइव करना होता है। एंड उसके बाद आपको अपने हाईवे चेंज करना होता है, जो हाईवे नंबर 36 है जो सीधा डायरेक्टली लैकले बीच जाता है। अगर आप कहे कि यार देखो मैं तो आ गया लाइक डेली से, इंडिया से तो मैं आ गया, एडमंटन की मैंने फ़्लाइट पकड़ ली, एडमंटन भी मैं उतर गया, लेकिन अब मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पकड़ना है, मुझे इतना खर्च नहीं करना, मुझे प्राइवेट गाड़ी या मुझे राइड नहीं लेनी, तो कोई बस सर्विस है क्या? तो सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँगा, कोई बस सर्विस नहीं है। जो नियरेस्ट टाउन है वो पड़ता है ग्रासलैंड। एडमंटन से एक प्राइवेट, दो प्राइवेट बस चलती है, मैं नीचे स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा, वो आपको ग्रासलैंड टाउन पे पहुँचा देगी। और जो ग्रासलैंड है वो लैकले बीच से 30 किलोमीटर्स दूर है, बहुत दूर नहीं है लेकिन 30 किलोमीटर्स दूर है। अब वहाँ से आपको या तो राइड लेनी पड़ेगी या तो आपको कोई ना कोई टैक्सी लेनी पड़ेगी, टैक्सी तो अवेलेबल नहीं है, राइड ही लेनी पड़ेगी या आपको किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी। दिस इज़ द ओनली वे यू कैन रीच देयर। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग कहूँ, लैकला बीच में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऐसा सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो आप भूल ही जाओ। और अगर मैं आपको बात करूँ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग या फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग, उसकी भी बहुत मारामारी है। आप ये मान लो कि पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर है, बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर चांस है कि आपको कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, वरना चांसेस बहुत ही कम है। चाहे आपके पास जितने मर्जी स्किल्स हो, कितने भी स्किल्स हो, आपको प्लम्बर का काम आता हो, मैकेनिक का, इलेक्ट्रीशियन का, तो शायद पॉइंट मतलब 5-10% से शायद आपको वर्क मिल जाए, वरना अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अर्न नहीं कर पाओगे। रेंट एकोमोडेशन बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है, आपको 250-300 डॉलर के अंदर आपको प्राइवेट रूम मिल जाएगा। शेयरिंग रूम भी आपको 150-200 डॉलर तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वो टाउन हाउस कैसा बना हुआ है। बहुत ही कम पॉपुलेशन है, जितनी पॉपुलेशन है मैक्सिमम इंडिजीनियस है या तो थोड़े बहुत कैनेडियन वाइट कैनेडियंस हैं, बाकी आपको मेनली इंटरनेशनल स्टूडेंट ही मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ कॉलेज के बारे में। देखो कॉलेज पॉटगेज कॉलेज बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, जो लैकला बीच कैंपस है सही ठीक ठाक कैंपस है, बिल्डिंग भी ठीक ठाक है, काफ़ी पुरानी है, पब्लिक फंडेड कॉलेज है। सबसे अच्छी बात यह है कि DLI अप्रूव्ड कॉलेज है। DLI अप्रूव्ड मतलब कि ये ऑथेंटिक है, मतलब अगर इसमें एडमिशन लेते हो तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा या कोई फ्रॉड स्कैम हो रहा है, तो ये अप्रूव्ड कॉलेज है। आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 2 इयर्स का कोई कोर्स किया है तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। अगर 1 ईयर का कोर्स लिए किया है आपने तो आपको 1 ईयर का आपको इसमें वर्क परमिट मिलेगा, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं, देखो रेंट अकोमोडेशन चीप है, आपको बता चुका हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है,
अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आपको अपने कॉलेज खुद ही जाना पड़ेगा। पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी तो भूल ही जाओ, 2-3% है मुश्किल से। बहुत अच्छे स्किल्स है तो माइट भी आपको मिल जाए, वरना आपको डिफ़िकल्टीज आएगी, आपको बहुत दूर दूर जाके भी वर्क करना पड़ेगा, तो वो आपको दिक्कतें आएगी स्टूडेंट अकोमोडेशन पे करने के रिगार्डिंग, बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग, ग्रॉसरीज पे करने के रिगार्डिंग। इतनी हैपनिंग लाइफ नहीं है, बिल्कुल स्लो लाइफ है। ये मान लो कि गांव है, एक ये विलेज है, तो ये हैमलेट है। हैमलेट उसे कहते हैं जो विलेज से भी छोटा होता है, टाउन तो उसमें कह ही नहीं सकता, और पॉपुलेशन भी ना के बराबर ही है। बाकी टीचर्स ठीक ठाक है, कॉलेज ठीक ठाक है, पढ़ाई करनी है और आपका फोकस पढ़ाई में, पढ़ाई करनी है अच्छे कॉलेज से, तो ये वो कॉलेज नहीं है, ये वो यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आपको सिर्फ फोकस है कि मुझे कैनेडा में सेटल होना है और मुझे सिर्फ पीआर चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप रूरल एरिया में वर्क करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, सॉरी रूरल एरिया में आप स्टडी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो आपके लिए बेटर चीज़ है इन इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पॉइंट। मतलब पीआर प्रोसेस में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, आपकी फाइल थोड़ी ज़्यादा इंप्रूव होगी, आपकी फाइल थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो पीआर के लिए बहुत ईजी है वो। तो अल्बर्टा में कहीं भी पढ़ोगे, कहीं भी रहोगे, कहीं भी जाओगे, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, किसी टाउन सिटी में भी पढ़ोगे, किसी जगह, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, कोई रूरल एरिया हो, तो वहाँ भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर। तो पीआर में तो आपको वही है, 1 ईयर का कोर्स करो, 6 मंथ्स की फुल टाइम वर्क करो, और उसके बाद पीआर फाइल लगा दो पीएनपी में, 6-7 महीने के अंदर आपको हाथ में पीआर मिल जाता है। टोटली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, और वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है, और लैकला बीच एक वहाँ पे नदी है जो लेक है, उसके नाम पे ही पड़ा है, एक्चुअली स्पेनिश वर्ड है लैकला बीच, और यही है इस छोटी सी टाउन के बारे में। बाकी अगर आपको कैंपिंग करना पसंद है, फिशिंग करना पसंद है, या कूल नेचर में रहना पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए है। लेकिन यहाँ पे आप बहुत ही अकेला लोनली फील तो आप करोगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम लोग हैं, और आपको आई थिंक बात करने के लिए कोई मिलेगा भी नहीं, पैसे इतना अर्न नहीं कर पाओगे, और जॉब्स इतनी है नहीं। बाकी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग अ पीआर उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को मैं एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। अगर आपके माइंड में कोई और भी क्वेश्चन हो इस टाउन के बारे में, इस कॉलेज के बारे में, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। और आप इफ़ यू वॉन्ट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, माई आई डी इज naval.chawla। तो मिलते तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योर लाइफ, टेक केयर।